हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेश फ्रॉम इजी है चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके, जिससे आप अपने बैटरी जो नॉट डिटेक्टेड या फिर जो बैटरी कनेक्टेड है बट नॉट चार्जिंग के सॉल्यूशंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा दोनों ही तरीके, मतलब हार्डवेयर को भी कैसे फिक्स करना है और सॉफ्टवेयर को भी कैसे फिक्स करना है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक आप देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी जो बैटरी है वो लैपटॉप से ठीक से कनेक्टेड है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको पहले अपना जो एसी प्लग है चार्जिंग केबल, उसे लैपटॉप से अलग करना होगा और चेक करना होगा कि क्या आपका लैपटॉप की मतलब बंद हो जाता है या नहीं। अगर ये ऐसे बंद हो जाता है तो आपको फिर उसके कनेक्टर्स चेक करने होंगे कि कनेक्टर्स ठीक से कनेक्ट है या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको ऐसे बैटरी रिमूव करनी होगी और बैटरी के कनेक्टर्स आपको चेक करने होंगे, ये वाला और जो यहाँ पे होता है। तो इसे आप नॉर्मली ऐसे किसी ब्रश से लेकर के साफ़ कर लीजिए अच्छे से, या फिर किसी कोई लिक्विड जो आता है एक साफ़ करने के लिए उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको नॉर्मली ऐसे करके दिखा रहा हूँ, फिर वापस आपको इसे इंसर्ट कीजिए और नॉर्मली लैपटॉप को स्टार्ट करके चेक करना है कि वापस से आपका आइकन फिक्स हो गया है या नहीं। सो आपको वो चेक करना है। तो कुछ लोगों के लैपटॉप में ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनका लैपटॉप बैटरी कनेक्टेड होती है बट नॉट चार्जिंग आता है। तो ये कोई बड़ी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लैपटॉप में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने सिंपली ऐसे कोई नुकीली सी चीज़ ली थी, ये मैंने पिन लिया। नॉर्मली आप कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो इतनी कम से कम लंबी हो और आपके चार्जिंग पिन के जो चारों साइड जो जगह है उसके चारों तरफ आपको इसे जो भी डस्ट होगी या फिर थोड़ा बहुत मॉइस्चर टाइप आ गया होगा उसको आपको इसे रब कर देना है और क्लियर कर देना है इसे गोल गोल घुमाते हुए, और फिर आपका जो बैटरी कनेक्टेड बट नॉट चार्जिंग का जो प्रॉब्लम वो 100% इससे सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने खुद किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बैटरी कनेक्टेड बट नॉट चार्जिंग वाला प्रॉब्लम आपका इससे सॉल्व हो सकता है 100%। अगर इस सॉल्यूशन से भी आपका आइकन फिक्स नहीं होता है तो आपको इसके लिए अपने लैपटॉप को हार्ड रीसेट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने पावर केबल और एसी दोनों को निकाल देना है इस तरीके से, और उसके बाद दोनों को निकालने का जो पावर का बटन है उसको आपको 10-15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर चार्ज है और जितने भी टेम्प्ररी इंफॉर्मेशन टेम्प्ररी मेमोरी में स्टोर है वो रीसेट हो जाएगी। तो ये करने के बाद आपको फिर से नॉर्मल सब कुछ पैक करना है और लैपटॉप को रीस्टार्ट करके चेक करना है, और अगर फिर भी ये फिक्स नहीं होता है आपसे तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा ड्राइवर्स को ठीक करने के लिए होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजर में जाना होगा। आप चाहो तो सीधा राइट क्लिक करके कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में जा सकते हो मैनेज से, या तो आप डायरेक्ट सर्च करके डिवाइस मैनेजर में जा सकते हो। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको जो बैटरी से रिलेटेड जितने भी इसमें ड्राइवर हैं उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए सिंपल, और अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करना है। अगर ये इससे भी फिक्स नहीं हो रहा है तो आपका जो बायोस है वो आपकी बैटरी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप लैपटॉप रीस्टार्ट कीजिए और एस्केप की को प्रेस कीजिए। तो एस्केप प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें आपको बायोस में जाने के लिए F10 प्रेस करना है, वो प्रेस कीजिए,
और जो आपका बायोस को रिस्टोर टू डिफॉल्ट करने के लिए आपको इसमें रिस्टोर टू डिफॉल्ट लोड सेटअप कंट्रोल डिफॉल्ट ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढना है और इसे सेटअप को रिस्टोर करने के लिए आप यस प्रेस कीजिए और अपने आप ये रिस्टार्ट हो जाएगा आपका लैपटॉप। और फिर आप चेक कीजिए कि आपका आइकन फिक्स हुआ है या नहीं। अगर बायोस को रीसेट करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप बायोस को टोटली अपग्रेड कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने जो लैपटॉप है उसके ओरिजिनल सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के पास जाना होगा। जैसे HP का HP पे जाइए, डेल सभी पे। तो HP पे आने के बाद मैं ऐसे यहाँ से अपना OS सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं अपना लेटेस्ट BIOS डाउनलोड करूँगा और उसे इंस्टॉल करूँगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्या होता है कि कुछ लैपटॉप के साथ पहले से ही जो OS आते हैं जैसे विंडोज 7 इसके साथ पहले ही आया था तो हो सकता है कि वो अब उसके ड्राइवर्स जो हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको विंडोज 10 पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप चाहो तो अपना लैपटॉप अभी भी विंडोज 10 पे अपग्रेड कर सकते हो। मैंने भी अपने इस आइकन को फिक्स करने के लिए विंडोज 10 पे फ्री में ही अपग्रेड किया था। आप अभी भी अपग्रेड कर सकते हो इसे। आप चाहो तो मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ कि आप कैसे अभी इजीली विंडोज 10 पे अपग्रेड करें। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा तो प्रॉब्लम है वो विंडोज़ अपग्रेड करने के बाद सॉल्व हो गया था। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जिन पे नहीं होती है वो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके चेक कर सकता है। और अगर आपका इससे अलग किसी और प्रोसीजर से ठीक हुआ हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू, दिस इज़ सुरेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।